Now, my dear children, today's topic, chapter 1st, part A, grammar, sentence and it kinds, वाक्य और उनके भेद. जानिए शब्द का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण अथवा भाव व्यक्त होता है वाक्य कहलाता है. A group of words that given complete sense is called a sentence. पढ़िए और जानिए. A, the cow is a domestic एनिमल. डेली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ ए व बी अशब्द समूह पूर्ण अर्थ भाव व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये वाक्य हैं. वाक्य होने के लिए शब्दों का समूह निश्चित कर्म, कर्ता, क्रिया, कार आदि में होना चाहिए. यदि ये शब्द निश्चित क्रम में नहीं होंगे तो वह वाक्य नहीं कहला सकेंगे. एग्जाम्पल देखिए. ए इज़ एनिमल डोमेस्टिक द काउ, ये सेंटेंस नहीं बन रहे हैं. बी इज़ द ऑफ इंडिया कैपिटल दिल्ली, इन शब्द समूहों में पूर्ण अर्थ भाव ग्रहण नहीं किया जा सकता, अतः यह वाक्य नहीं है. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस.